आमिर हुसैन की कहानी कहानी है ह्यूमन ग्रिट डिटर्मिनेशन की। बचपन में ही दोनों बाजू जो है एक एक्सीडेंट में उन्होंने लूज किए, लेकिन शौक था क्रिकेटर बनने का। हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत की और अपने पांव से जो है सीखा बॉलिंग और बैटिंग करना, और आज इतनी अच्छी जो है बॉलिंग और बैटिंग करते हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं इनका लोहा मान रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, इनकी कहानी बताई और आज पूरा हिंदुस्तान जो है आमिर को जानता है। इस वक्त हम उन्हीं के जो है नेटिव प्लेस में, उनके गाँव में हैं और ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि खुद जो है अपने लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि आमिर हमेशा से ही ऐसे थे, बल्कि वो भी एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वक्त ने उनसे उनके हाथ छीन लिए। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को गले लगाया, क्रिकेट की बुनियादी जरूरत को भी नकार दिया, दिल से क्रिकेट खेला और क्रिकेट के प्रशंसकों के दिलों पर राज करने लगे। आमिर हुसैन लोन ने गर्दन से क्रिकेट का बल्ला संभाला। एक बैटर के रूप में उन्होंने प्रोफेशनल बैटिंग भी की, पैर के पंजों से बॉल थामने की कला इजाद कर ली और प्रोफेशनल बॉलर की तरह उन्होंने गेंदबाजी भी की। क्रिकेट के इस जुनून ने आमिर को एक ऐसे क्रिकेटर के रूप में स्थापित किया जो प्रेरणा का स्रोत बन गया। हालात पर उनकी जीत की इस कहानी को महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत देश के प्रशंसकों ने न सिर्फ सराहा बल्कि उन्हें सच्ची प्रेरणा की उपाधि भी दी। हालांकि ये सफलता उनके लिए इतना आसान न पहले था न आगे है। देख रहा था कि कैसे खेलूं, क्या करूं, लेकिन ये अंदर से फीलिंग आई कि नहीं, जो मेरा ख्वाब है वो मैं पूरा करूं। लेकिन फिर मैंने सर बहुत मेहनत की इसमें, पैर से गेंदबाजी करना और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, ये मेरे लिए एक नामुमकिन था, लेकिन सर मेहनत किया और सारे टेक्निक मैंने सीखे। आमिर की कहानी में कई दुखद पहलू भी हैं, उनमें एक ये भी है कि राज्य सरकारों और क्रिकेट संघों की तरफ से उनकी उपेक्षा हुई। उन्होंने सुविधा की मांग की, क्रिकेट में भविष्य बनाने के लिए कई दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन उन्हें संघर्ष का फल नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आमिर का क्रिकेट के लिए जुनून वायरल हुआ, उनके चाहने वालों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, उन्हें मदद मिलनी शुरू हो गई। गौतम अडानी फाउंडेशन पहला ऐसा संगठन था जिसने क्रिकेट अकादमी स्थापित करने और आमिर को हर संभव मदद देने का वादा किया। आज मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सिर्फ एक आदमी, वो है हमारे गौतम अडानी सर और डॉक्टर प्रीति अडानी मैम, जिन्होंने हमें हाल ही में जो है उन्होंने हेल्प किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी तारीफ की जाए गौतम अडानी सर के लिए, उस मैम और वो कम है सर। आज भी आमिर हुसैन लोन की कई उम्मीदें हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। वो देश के लिए खेलकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। हालांकि उनके जुनून को देखकर सभी महसूस करते हैं कि अगर वो सामान्य खिलाड़ी होते तो उनके खेल से ही उनकी हर अभिलाषा पूरी हो चुकी होती। इसलिए आज भी उनके करीबी 1997 के उस हादसे को याद करते हैं जिसमें आमिर ने अपने हाथ खो दिए थे। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में 1997 में आमिर हादसे के शिकार हुए थे। वो अपने गांव वागवा में परिवार के साथ रहते थे जिनका व्यवसाय आरा मशीन का था। इसी आरा मशीन की चपेट में आकर आमिर हुसैन ने अपने हाथ खो दिए। आमिर के इलाज की जिम्मेदारी गांव में तैनात सैन्य यूनिट ने उठा ली। उन्हें सेना ही विशेष इलाज के लिए जम्मू कश्मीर के बाहर ले गई और 3 वर्ष के बाद आमिर हुसैन लोन ठीक होकर अपने घर लौटे। इन 3 वर्षों में आमिर की जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव हो चुका था। उनके पिता का व्यवसाय बिक चुका था। आमिर हाथ खोकर सबके बीच भी अकेले पड़ गए थे, लेकिन उनके एक शिक्षक ने क्रिकेट के प्रति उनके जुनून को परखा और उनका परिचय पैरा क्रिकेट टीम से कराया। अब आमिर 2013 से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। वो नेपाल, दुबई, यूएई पैरा लीग में शारजा के मैदान में प्रदर्शन कर चुके हैं।